हेलो फ्रेंड्स, मैं जय, आपका विशेष ज्ञान में स्वागत है। फ्रेंड्स फ्रेंड्स, अब आपको जीएसटी पोर्टल पे जीएसटीआर 2A को एक्सेल शीट में भी डाउनलोड करने की फैसिलिटी दी गई है। अब आप जीएसटीआर 2A को एक्सेल शीट में डाउनलोड कर सकते हैं और एनुअल रिटर्न फाइल करने से पहले या जीएसटी ऑडिट से पहले अपनी जीएसटीआर 2 को रिकनसाइल कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, जब आप जीएसटी पोर्टल पे लॉगिन कर लेंगे अपनी लॉगिन आईडी से, उसके बाद आपको आना है रिटर्न डैशबोर्ड पर और इस पर क्लिक करना है। उसके बाद फ्रेंड्स, यहां पर आपको अपना फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करना है और अपना मंथ सेलेक्ट करना है जिस मंथ के लिए आप जीएसटीआर 2A को डाउनलोड करना चाहते हैं। जब आप ये सारी चीजें सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद आप सर्च बटन पर क्लिक करेंगे। फ्रेंड्स उसके बाद आपके सामने ये स्क्रीन आएगी और यहां पर आप देख सकते हैं जीएसटीआर 2A। अगर आपको देखना हो तो आप व्यू में जाएंगे और अगर आपको डाउनलोड करना है जैसा कि मैंने बताया, तो आप डाउनलोड टैब पर क्लिक करेंगे। फ्रेंड्स आप यहां पर देख सकते हैं कि आपको जीएसटीआर 2A डाउनलोड करने के दो ऑप्शंस मिल रहे हैं, जेएसएन फॉर्मेट और एक्सेल फॉर्मेट। आप जिसमें चाहें उसमें डाउनलोड कर सकते हैं। हम यहां पर क्लिक करेंगे जनरेट एक्सेल फाइल टू डाउनलोड पर, ताकि हम उसे एक्सेल शीट में डाउनलोड कर सकें। अगर आप जेएसएन फाइल में करना चाहते हैं तो आप उसमें भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको जीएसटी पोर्टल से ऑफलाइन यूटिलिटी डाउनलोड करनी होगी, तभी आप उसे देख पाएंगे अपने सिस्टम पर। फ्रेंड्स आप यहां पर देख सकते हैं, जैसे मैंने जनरेट एक्सेल फाइल टू डाउनलोड पर क्लिक किया, आपके सामने एक मैसेज आ चुका है, योर रिक्वेस्ट फॉर जनरेशन हैज बीन एक्सेप्टेड, काइंडली वेट फॉर 20 मिनट। मुझे 20 मिनट तक वेट करना होगा, उसके बाद मैं डाउनलोड कर सकता हूं। तो आप क्या करेंगे, 20 मिनट तक वेट करेंगे, उसके बाद जैसे अभी तक मैंने प्रोसेस बताया कि लॉगिन करेंगे, उसके बाद अपना मंथ और ईयर सेलेक्ट करेंगे जिसका आपको जीएसटीआर 2A का रिपोर्ट चाहिए, सर्च में जाएंगे, उसके बाद आप यहां पर आकर देखेंगे 20 मिनट बाद, तो आपको यहां पर डाउनलोड की लिंक मिल जाएगी। फ्रेंड्स 20 मिनट के बाद जब आप वापस आएंगे इस विंडो पर सारे प्रोसेस को करते हुए, तो यहां पर आपको एक लिंक दिखाई देगी, क्लिक हेयर टू डाउनलोड एक्सेल फाइल। इस पर आपको क्लिक करना है एक्सेल शीट में डाउनलोड करने के लिए जीएसटीआर 2A। फ्रेंड्स आपकी फाइल जो है वो जिप फॉर्मेट में डाउनलोड होगी, उसे आपको एक्सट्रैक्ट करना होगा एक्सेल शीट में लाने के लिए। फ्रेंड्स आप यहां पर देख सकते हैं, मैंने एक्सेल शीट को डाउनलोड करने के बाद उसे एक्सट्रैक्ट कर लिया है और अब आपके सामने ये एक्सेल शीट मैंने ओपन कर लिया है। यहां पर जब आप बी टू बी पर क्लिक करेंगे तो आपको यहां पर रिफ्लेक्ट होगा, जो आपके सप्लायर ने रिटर्न फाइल की होगी वो आपको यहां पर रिफ्लेक्ट होगी। उसके बाद अगर उसने कुछ अमेंडमेंट की होगी बी टू बी में, तो वो आपको इसमें देखना होगा। क्रेडिट नोट की डिटेल्स यहां देखनी होगी, फिर क्रेडिट नोट में अगर कोई अमेंडमेंट होगी तो वो आपको यहां पर देखनी होगी। आईएचडी के लिए आपको यहां पर देखना होगा, आईएचडी अमेंडमेंट के लिए यहां पर देखना होगा, टीडीएस यहां पर आप देख सकते हैं, टीडीएस अमेंडमेंट के लिए यहां पर देख सकते हैं, टीसीएस के लिए आप यहां पर देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आप सारी चीजें देखकर रिकनसाइल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहां पर एक और छोटी सी अपडेट है कि एक्सपोर्ट के रिफंड के लिए आप जीएसटीआर 2A को प्रिंट आउट करके सबमिट करेंगे तो भी आप रिफंड ले सकते हैं एक्सपोर्ट का। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और हो सके तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।